नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं, इंटीजर्स देखने हैं जो 50 एंड 500 के बीच में, बिटवीन मतलब 50 और 500 इंक्लूड नहीं है, और वो जो नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है उनका सम कर देना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में बोलोगे नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500, पहली बात तो ये, तो हम बोले देखो भाई 51 है, 52 है, 53 है, ऐसे करते करते लास्ट में है 499। ये वो नंबर्स हैं जो 50 एंड 500 के बीच में। अब हमारे को इनमें से कौन से नंबर लेने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, तो हम लिखेंगे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे नंबर ही लेने जो 7 से डिविजिबल हैं। तो ये कैसे ढूंढेंगे, देखो नॉर्मल तो तुम है ना 7 की टेबल बोल के देख लोगे, बट एक लॉजिक बता देता हूँ समझना। आप सबसे पहले ना ये जो 51 है इसको 7 से डिवाइड कर लो। तो आपने जब इसे 7 से डिवाइड किया तो 7 जब 49 आया बचा, माइनस किया तो 2 आया। देखो यहाँ पे 0 आता तो इसका मतलब ये 51 डिविजिबल होता, 2 आया मतलब 2 अगर इसमें से कम कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल आएगा। बट अगर 2 में तुम प्लस कर दो और इसको 7 बना दो तो कितना प्लस करोगे, 5। तो 2 प्लस 5 करने पे 7 बनेगा, और 7 बनेगा मतलब ये है कि आप 51 में क्या प्लस कर रहे हो, 5 प्लस करोगे तब जाके वो नंबर बनेगा। तो 51 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। तो 56 ऐसा नंबर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब पहला नंबर ऐसे भी ढूंढ सकते हो, बाकी तुम टेबल बोल के भी ढूंढ सकते हो। तो 56 आ गया, 56 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 63। फिर 7 प्लस करोगे 70। अब लास्ट वाला नंबर भी तुम टेबल में बोलोगे क्या, नहीं। अब देखो कैसे करना है, अब अगेन तुम 499 में 7 का डिवाइड कर लो, क्या बोलोगे, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस किया 0 आया, नेक्स्ट डिजिट 9 आई, 7 1 जा 7 किया, माइनस किया तो 2 आया। अब 2 आ गया सर, अब आप बताओ 2 में प्लस करें कि माइनस करें। तो आपने कहा सर देखो प्लस करने पे तो 499 में प्लस करेंगे तो 500 से बड़ा नंबर आएगा, इसका मतलब 2 माइनस कर दो, क्या कर दो, 0 बना दो इस 2 को। तो माइनस करना पड़ेगा 2, तो 0 बनेगा, तो इसका मतलब है इस नंबर में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 497 आएगा। तो 497 आपका लास्ट नंबर बन जाएगा जो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल भी हो जाएगा और 500 और 50 के बीच वाला नंबर भी हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जिनकी तुम्हें रिक्वायरमेंट थी। अब इन नंबर्स को क्या कर लेना है, हमें सम कर लेना है। तो हमें एक एक करके सम करें क्या, नहीं 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 इसमें एपी ढूंढ दो, क्या ढूंढ लो, इसमें एपी ढूंढ लो बच्चा। तो एपी कैसे ढूंढेंगे, देखो भाई फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं ए है, और सेकंड टर्म 63 है, तो 63 में से 56 भाई मल्टीपल्स है तो ऑब्वियसली 7 का ही गैप रहा होगा। तो आप बोलोगे सर दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, तो एपी है तो आपको पता चला ए की वैल्यू तो 56 है, डी की वैल्यू 7 है, और लास्ट टर्म दैट इज ए एन आपको गिवन है 497, ये मिल गया। अब अगर तुम्हें इसका सम करना है तो क्या चाहिए, सर सम करने के लिए तो हमारे को चाहिए एन, एन तो है नहीं, तो हम सबसे पहले एन ढूंढेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन 497 इक्वल टू ए 56 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, डी की वैल्यू क्या रख दी 7, 56 इधर माइनस होने आ जाएगा क्योंकि प्लस का नंबर है। देखो भाई इधर प्लस हो रहे हैं ना दोनों, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 56 इधर माइनस हो गया, इधर बचा एन माइनस वन इंटू 7, इसमें से 56 माइनस करो तो 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 5 4 4 4 1 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब तुम्हें एन माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, 7 उधर डिवाइड हो जाएगा, यही कर लेता हूँ देखो भाई। तो आप लिखोगे एन माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 4 4 1 डिवाइड बाय 7, तो 7 6 जा 42 21 7 3 जा, तो आपके पास एन माइनस 1 की वैल्यू 63 आई, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 63 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 उधर गया तो ये हो गया 64। टोटल कितने नंबर्स हैं, 64 नंबर्स हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 a plus an। ये क्यों लगा रहे हो सर, मैंने कहा an पता है ना भाई, क्यों 2a plus n minus 1 लगाएं, कैलकुलेशन बढ़ाएं, मैंने कहा ठीक है बच्चा। तो आपने यहाँ पे s 64 निकाला, तो वो कितना हो गया 64 by 2, a कितना है 56 plus an कितना है 497, तो ये आ गया 32, और इसको प्लस करो 6 प्लस 7 13, कैरी 1, 10 प्लस 1 कैरी 1, तो 553 बच्चा। जब 32 को आप 553 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 17,696, ये आपका सम आ चुका है। अब तुम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, सो
सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7 इज 17,696। अगर कोई डाउट रह गया हो बच्चा इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बना के दी है, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हाँ एपी बना के भी कर सकते हैं। कैसे बनेगा एपी और कैसे होगा नॉर्मल, देखो भाई। सबसे पहले हमें कह रहा है ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट, एक चोर चोरी करने के बाद रन भागा एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। एक चोर चोरी करके भागा और वो 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है, मतलब एक मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरी मिनट में भी 50 मीटर, तो दो टोटल 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बच्चा, 100 मीटर कर लेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कवर बाय या कवर्ड बाय थीफ, मैं ऐसे कर रहा हूं फर्स्ट मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, फर्स्ट मिनट में तब बोलोगे 50 मीटर करेगा, मैंने कहा ठीक है। सेकंड मिनट में या टोटल 2 मिनट में, 2 मिनट्स में, सेकंड मिनट की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल 2 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, तब बताओ 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आप कहोगे 50 + 50 दैट इज 100 मीटर। 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तब बोलोगे सर 100 + 50 हो जाएगा दैट इज 150 मीटर। 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तब बोलोगे 150 अगेन प्लस 50 करेंगे तो आएगा 200 मीटर। क्या बात पकड़ में आ रही है, फिफ्थ मिनट में राउंड लगा के लिख रहा हूँ, तो फिफ्थ मिनट में आप लिखोगे 250 मीटर। सिक्स मिनट में कितनी करेगा, 300 मीटर। 7 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा टोटल, 350 मीटर। तो ऐसे हम 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट सबकी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद पुलिस वाले को पता चला कि वो चोर है, तो पुलिस वाला भागा उसके पीछे, तो पुलिस रन टू कैच हिम, पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए भागा, बट एक कंडीशन दे दी, ही मतलब यहाँ पे पुलिस वाले की बात कर रहा है, ही गो 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट, तो पुलिस वाला पहली मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60 मीटर, एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट। इस बात का क्या मतलब बच्चा, जब दूसरी मिनट की बात हुई तो उसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर इंक्रीज हो गई, तो फर्स्ट मिनट में अगर वो 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेकंड मिनट में 5 मीटर इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 65 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कवर बाय पुलिस मैन, इसको समझना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है तुम्हारा। तो आप बोलोगे देखो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, फर्स्ट मिनट की अगर मैं बात करूँ तो 60 मीटर। 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस वाला, तो पहली मिनट में उसने 60 किया, दूसरी मिनट में उसने 65 किया, तो आंसर आ गया 125 मीटर। क्या बात समझ में आई, फर्स्ट मिनट में 60 मीटर, दूसरी मिनट में उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली 5 मीटर से, 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। क्या बोलोगे, देखो सर 2 मिनट तक वो 125 मीटर कर चुका है, प्लस सेकेंड मिनट में उसकी स्पीड थी 65, तो थर्ड मिनट में उसकी स्पीड होगी 65 + 5 दैट इज 70। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 70 लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इन थर्ड मिनट इज 70 मीटर, डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन इन थर्ड मिनट, ऐसे बोल सकते हो। मैं यहाँ पे टोटल 3 मिनट की डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ दैट इज 195 मीटर। अब 4 मिनट, टोटल 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप लिखोगे देखो सर 3 मिनट तक तो 195 कर चुका, प्लस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द पुलिसमैन इन फोर्थ मिनट, तो आप बोलोगे 70 तो थी उसकी थर्ड मिनट में, प्लस 5 दैट इज 75, प्लस करो भाई 5 + 5 = 10 कैरी 1 7, 270 हो गई भाई, ठीक है। फिफ्थ मिनट में कितनी करेगा बता दो, 5 मिनट में टोटल डिस्टेंस, तो 4 मिनट तो 270 मीटर तो कर चुका वो, 270 मीटर। What is the स्पीड डिस्टेंस कवर बाय द पुलिसमैन इन फिफ्थ मिनट, फोर्थ मिनट में उसकी स्पीड डिस्टेंस थी 75, तो फिफ्थ मिनट में कितनी हो जाएगी 80, प्लस कर लो भाई 7 + 8 = 0, 7 + 8 = 15 कैरी 1 350 मीटर। तो आपको नहीं लग रहा 5वीं मिनट के अंदर वो पुलिस वाला उस चोर के पास पहुंच गया है, क्योंकि चोर भी तो 7 मिनट में 350 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था और पुलिस वाले ने 5 मिनट में कर ली, तो इसका मतलब है देखो 2 मिनट का गैप भी चल रहा है, और क्वेश्चन ने भी कहा है कि 2 मिनट का गैप है क्योंकि पुलिस वाला 2 मिनट के बाद ही स्टार्ट हुआ था,
इसका मतलब है हम यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर 5 मिनट पुलिसमैन कैन कैच द थिफ। अब यहां पे एक बच्चा बोला, बोला सर इसमें एपी कहां है। मैंने कहा यार बात तो सही है, बट तुम एक चीज नोटिस करो, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि क्या डिस्टेंस जो हर मिनट में, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद जो डिस्टेंस है वो क्या एपी बना रही है, तो आप कहोगे थिप वाली डिस्टेंस तो एपी बना रही है, बट पुलिस वाले की डिस्टेंस एपी नहीं बना रही क्योंकि वो प्लस हो रही है। बट इसके बाद जो लॉजिक है उसको समझना कि हर एक मिनट की डिस्टेंस पे, हर एक मिनट ध्यान से सुनना, पहली 1 मिनट में 60 मीटर स्पीड थी, दूसरी मिनट 65 थी, तीसरी मिनट की डिस्टेंस 70 थी, चौथे की 75 थी, पांचवे की 80 थी। तो आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है 60, 65, 70, 75 और 80, ये क्या कर रही है, ये एपी बना रही है 5 का गैप के साथ, और उधर तो एपी बनी रही है 50, 50, 50 है। तो हमने कहा कि पुलिस वाला उसको एक्स मिनट के बाद पकड़ेगा, तो एक्स मिनट पे पुलिस वाले की जो डिस्टेंस होगी या स्पीड होगी, स्पीड बोल सकता हूँ ना मैं इसको, 80 मीटर पर मिनट स्पीड ऑफ पुलिस इन एक्स मिनट क्या रही होगी, 80 मीटर, और चोर की स्पीड क्या है, एक्स है, बट हमारे को टाइम की बात करनी है, तो हमने कहा कि सर देखो टी टाइम के बाद वो उसको पकड़ेगा या एक्स टाइम के बाद पकड़ेगा, इस चीज को ऐसे समझो। हमने कहा कि सोल्यूशन में, दोबारा इसका दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूं, लेट पुलिसमैन कैच द थिफ आफ्टर एक्स मिनट। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस, तो सम करेगा ना वो, भाई यहां पे देखो एक्स मिनट में टोटल जो 350 मीटर है ये क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस है, तो सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पुलिसमैन आफ्टर एक्स मिनट किसके इक्वल आनी चाहिए, इसके इक्वल, और ये जो इस ये वाला टाइम क्या है, 2 मिनट ज्यादा है उससे। तो अगर पुलिस वाले को एक्स मिनट लग रहे हैं तो चोर को कितने मिनट लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में, यस, तो हम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीफ टेक टाइम टू रीच दैट पोजिशन वेयर पुलिसमैन कैन कैच हिम या कैच हिम इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 मिनट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक्स तो क्या है हमारा, मिनट टाइम है जब पुलिस वाला उसको पकड़ रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपकी एपी बन रही है वो एपी क्या बन रही है, एपी बन रही है 60, 65, 70, 75, 80, 85, ये डिस्टेंस एपी बन रही है भाई, पहली मिनट, दूसरी मिनट, अब हमें नहीं पता कौन सी मिनट में, तो हमने कहा एन मिनट जो एक्स मिनट है यहाँ पे कहीं पे लास्ट में है ना। सिमिलरली अगर मैं इसकी एपी बना के दूँ तुम्हारे को, तो इसकी क्या होगी 50, 50 डिस्टेंस की एपी, 50, 50 और व्हाट इज द एक्स प्लस 2 मिनट। यहाँ तक मुझे इसकी क्या करनी है, एक्स प्लस 2 टर्म बोल सकता हूँ मैं, यहाँ तक मुझे उसकी क्या करनी है, डिस्टेंस को सम करना है भाई, ये पहली मिनट में डिस्टेंस कवर की है, दूसरी मिनट में, तीसरी मिनट में, चौथी मिनट में, और ये पहली मिनट में डिस्टेंस, सेकंड मिनट में डिस्टेंस, थर्ड मिनट में, फोर्थ मिनट में, फिफ्थ मिनट में और सिक्स्थ मिनट में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो डिस्टेंस कवर बाय पुलिसमैन आफ्टर एक्स मिनट किसके इक्वल रही होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय थिफ इन एक्स प्लस 2 मिनट। अब इसको कई बच्चे ऐसे भी बोल सकते थे कि सर लेट कर लो थिप है ना एक्स मिनट में पकड़ा गया, तो पुलिस वाले ने कितने टाइम में पकड़ा होगा, तो एक्स माइनस 2 मिनट में। तो अगर मैं इसका सम निकालूं तो क्या हो जाएगा एस एक्स, और इसका सम क्या होगा किसके इक्वल आएगा एस एक्स प्लस 2 के। भाई देखो इसका एस एक्स और इसका एक्स एस डैश बोल देता हूँ मैं, क्योंकि ये अलग एपी है,
बताओ भाई इस एपी का ए कितना है, इसका ए है 60 और डी कितना है 5 है और एन कितना है एक्स है, और इस एपी का ए कितना है 50, डी कितना है 0 और एन कितना है एक्स प्लस 2, पुट कर दो भाई फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल एन बाई 2, क्योंकि मैं यहाँ पे अलग काम में ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे a भी मैंने अलग लिए है देखो, तो इसको आप लिखोगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। ध्यान से सुनना, कभी भी एक क्वेश्चन में दो ए पी हो तो a फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स को अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करना। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं बच्चा, देखो वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना एन की जगह क्या रखना है एक्स, तो इधर ही कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो एक बार समझने के लिए तुम्हारे को यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। इधर मैं क्या करूँगा, एक्स बाई टू हो जाएगा 2 × 6, ये पुलिस वाले की बात चल रही है इधर, प्लस एक्स माइनस 1 × 5 इक्वल में कैपिटल एन है, यहाँ पे कैपिटल एन, ये रहा कैपिटल एन और ये रहा कैपिटल डी तुम्हारा, तो कैपिटल एन है एक्स प्लस 2/2 और यहाँ पे आएगा 2 × 50 प्लस एक्स प्लस 2 − 1 × 0। देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर मैं अगर चेक करूँ तो एक्स बाई 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 12 प्लस मल्टीप्लाई करो 5x − 5 इक्वल में एक्स प्लस 2/2 × 2 × 50 बच्चा 100, क्योंकि वहाँ पे 0 था ना, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई ब्रैकेट को करोगे तो 0 आएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज एक्स बाई 2 12 प्लस 5x − 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/2 × 100, चेक कर लो यही है, हाँ यही है, ठीक है ना। देखो इधर तो 2 से ये 100 कटेगा 50 टाइम, तो हो जाएगा एक्स बाई 2 12 प्लस, ये 12 में से 5 माइनस कर लेता हूँ बच्चा, 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7, ठीक है, 7 प्लस 5x इक्वल में 50 × x + 2। अब तुम चाहो तो इस 50 को इधर ले आओ या इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा बच्चा, देखो ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 हो जाएगा वापस से, तो आपके पास बचेगा x इंटू 7 प्लस 5x इक्वल्स टू 100 × x + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 7x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 100x प्लस 200, ठीक है। अब ये एपी बन रहा है देखो, सॉरी एपी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो मैं इस 5x स्क्वायर को इधर ही रखता हूँ, प्लस 7x भी इधर ही रहेगा, ये 100x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और वो 200 भी इधर आएगा माइनस का 200 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत भाई, कोई कुछ गलती तो नहीं कर दी ना अपन, 2 × 6, ओहो 60 था यार यहाँ पे, सॉरी बच्चा 60 था यार, यहाँ पे 60 रखना था मेरे को, ये होता 120, ओके यही गलती कर दी मैंने, 120, यहाँ पे गलती हो गई अपने से, छोटी सी गलती हो गई, कोई नहीं यार चलता है, इतना तो एडजस्ट कर लो यार भाई, है ना, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने कहा ठीक है 120 में से 5 माइनस कर लेंगे, तो x बाई 2 इंटू 115 प्लस 5x हो जाएगा इक्वल में 50 × x + 2, अगेन 2 इधर मल्टीप्लाई में, और इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 कॉमन लिया तो 5x हुआ, 5 का डिवाइड 5 2 जा और 5 3 जा 23 हो गया, प्लस x इक्वल्स टू 2 × 50 × x + 2। देखो बच्चा ये 5 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा x इंटू 23 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 × 50 / 5 × x + 2, 5 से 50 कटेगा 10 टाइम, अब मल्टीप्लाई कर लो 23x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल में 2 × 10 = 20 × x + 2 हो गया। यहाँ पे मैंने x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 23x इक्वल में 20x + 40, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 20x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, दोनों टर्म्स को मैं LHS में ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, 40 के फैक्टर करूंगा 3 आना चाहिए, तो 8 5 जब 40 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x
माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस एट होगा, इधर माइनस फाइव कॉमन लोगे तो भी एक्स प्लस एट आएगा दैट इज जीरो, तो एक्स प्लस एट कॉमन ले लोगे बच्चा तो बचेगा एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। देखो या तो एक्स प्लस एट जीरो है या फिर एक्स माइनस फाइव जीरो है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस एट और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है फाइव। अब आप कहोगे कौन सी वैल्यू ले सर और कौन सी नहीं ले, ध्यान से सुनना मैं रीजन बता देता हूँ। देखो तुमने लेट क्या किया है, एक्स इज मिनट, टाइम है, तो टाइम है तो माइनस एट मिनट तो नहीं हो सकती, तो इसको तुम कंसिडर नहीं करेंगे, तो आंसर क्या हो गया एक्स इक्वल टू फाइव। तो अब यहाँ पे बोलेंगे सो पुलिसमैन पुलिसमैन कैच आफ्टर कैच द थीफ आफ्टर फाइव मिनट। बात पकड़ में आई क्या? पकड़ में आनी चाहिए यार, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर था बट बात पकड़ में आनी चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें एपी बना के भी समझाया है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा बच्चा। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, रेशमा वॉन्टेड टू सेव एटलीस्ट 6500 फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब आज उसने सोचा कि मुझे 12 महीने बाद अपनी बच्ची को 6500 रुपए भेजने हैं। 6500 सी सेव्ड रुपीज 450 इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसने 450 रुपीज सेव की, एंड रेज हर सेविंग, मतलब उसने अपनी सेविंग को बढ़ाना स्टार्ट किया रुपीज 20 एवरी नेक्स्ट मंथ। हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, की 12 महीने में वो कितने सेविंग कर लेगी। विल सी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर, क्या वो एबल बन जाएगी कि वो अपनी बच्ची को नेक्स्ट ईयर स्कूल में भेज सके। भाई देखो कहना ये चाह रहा है कि रेशमा को कम से कम 6500 रुपीज सेव करने पड़ेंगे अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए नेक्स्ट ईयर। तो मैं अगर इसमें बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल सकता हूँ क्या, रेशमा सेव अमाउंट इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में कितने रुपए सेव कर रही है, दैट इज रुपीज 450। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेकेंड मंथ की, एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसने कितने रुपए सेव कर लिए होंगे, तो आप बोलेंगे 450 प्लस 20, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ 20 रुपए इंक्रीज कर रही है, तो दैट इज रुपीज 470। और थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तीसरे महीने थर्ड मंथ उसने कितने रुपए सेव कर लिए होंगे, 470 में प्लस 20 किया उसने तो दैट इज रुपीज 490। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या कर रही है, जो अमाउंट सेव कर रही है वो एक एपी बना रहे हैं, बट हमारे को कब तक सेव करवाने हैं उससे, 12 मंथ तक। तो हम कहेंगे सेविंग ऑफ अमाउंट बाय रेशमा, रेशमा है ना, रेशम रेशम है क्या, ठीक है रेशम, इज फॉर्म एन एपी। इसका मतलब है हमारी एपी क्या हो जाएगी, 450 470 490 अप टू कहाँ तक, 12 टर्म्स बोल सकता हूँ मैं ना, 12 टर्म्स, क्योंकि पहले महीने दूसरा महीने तीसरा महीने तो लास्ट तक 12 मंथ्स होगा, तो 12 टर्म्स हो जाएंगे। तो स्मॉल ए दैट इज के फर्स्ट टर्म 450 है, डी कितनी है 470 माइनस 450 20 है, और एन की वैल्यू क्या है 12 है। हमें क्या करना है, टोटल 12 मंथ्स की सेविंग, तो दैट इज द सम ऑफ 12 टर्म्स निकालनी है। तो एस 12 निकालना है तो मैं एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज एन बाई टू। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, एन ए एन तो है ही नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ठीक है। तो हम एस 12 निकालते हैं, सम ऑफ 12 टर्म्स दैट इज 12 बाई टू, 2 इंटू ए, ए कितना है 450 प्लस एन माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 20, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, टेंशन मत लिया करो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करो थोड़ा सा, हाँ कई बार इस चक्कर में भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो। 12 बाई 2 कितना हो जाएगा 6, 2 को 450 से मल्टीप्लाई करो भाई 900 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 20 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, 12 माइनस 1 11 ही होता होगा, तो 6 इंटू 900 प्लस 220, तो ये आंसर आ गया 6 इंटू 9 प्लस 2 11 1120, मल्टीप्लाई कर दो भाई 0, 6 टू 12 कैरी 1 7 6 एस 12। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या,
सेविंग ऑफ रेशम इन 12 months कितना है, दैट इज रुपीज 6720। पहले बात ये, हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 months, तो कितने सेव करेगी 6720। विल सी बी एबल टू सेंड अ डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर, उसको कितने सेव करने थे 6500, तो क्या आपको लगता है? हाँ सर लगता है, तो हम कहेंगे यस सी बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन इजी था? हाँ इजी था, पिछले वाले जैसा तो डिफिकल्ट तो नहीं था बट इजी था आपके बार। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, रामकली। वाह वाह रामकली, रामकली वुड नीड रुपीज 1800 फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स एक्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सेम वैसा ही क्वेश्चन सा लग रहा है, अब क्यों यार 1800 रुपये बचाने हैं या सेव करने हैं अपनी बच्ची की एडमिशन फी के लिए, बुक्स के लिए और सब के लिए। सी मतलब रामकली सेव रुपीज 50 इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाय रुपीज 20। ओके वही बात है सेम, तो हमने कहा देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रामकली सेव अमाउंट इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में कितने रुपए सेव करेगी, तो आप बोलोगे रुपीज 50। नाउ सेकेंड मंथ कितना करेगी, तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 50 + 20 दैट इज रुपीज 70। और थर्ड मंथ भाई कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए ना, तभी तो तुम बता पाते हो एपी बनेगी कि नहीं बड़ी, तो थर्ड मंथ में कितने रुपए सेव करेगी बच्चा 70 + 20 दैट इज रुपीज 90। अब उसको इस तरीके से कब तक सेव करने हैं, दिस ईयर, ठीक है ना दिस ईयर, और कहाँ तक आफ्टर अ ईयर हाउ मच मनी विल सी ए सेव, तो हम इसको क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे, तो हम कहेंगे देखो भाई सिंस सेविंग ऑफ अमाउंट बाय रामकली फॉर्म एनएपी, वो क्या बना रही है, एक एपी बना रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म 50 है, सेकंड टर्म 70 है, थर्ड टर्म 90, ऐसे करते करते 12th टर्म की हमें बात करनी है, अप टू 12th टर्म हमें बात करनी है, उसके आगे की बातें ही नहीं करनी। तो आपने कहा ए की वैल्यू है 50, डी की वैल्यू है 20 और एन की वैल्यू है 12। अगेन सर हमारे को सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, ठीक है ना, दैट इज एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ठीक है ना, तो वापस से वैल्यू पुट करो और काम खत्म करो। हम क्या करेंगे देखो भाई एस 12 निकालेंगे बच्चा, एस 12 क्या हो जाएगा 12 by 2 2 into a, a कितना है 50 रुपए, प्लस 12 - 1 into d कितना है 20 है, बस सोल्व कर लो इसको, कुछ नहीं करना। तो आप बोलेंगे 12 by 2 होता है 6, 2 into 50 100, प्लस 11 into 20 ब्रैकेट बंद, तो 600 + 220, तो 100 + 220 कितना हो जाएगा 320, मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6 3 18 + 1 1920। तो क्या आपको लग रहा है, तो therefore so saving in 12 months कितनी हो गई रुपीज 1920 हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज पाएगी, यस रामकली विल बी एबल आफ्टर 1 year टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, बिकॉज उसने जो सेविंग्स हैं वो कर ली जितनी चाहिए थी। बात समझ में आई क्या बच्चा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40।